Bismillahirrahmanirrahim. The new game which I want to discuss with you is this being displayed is figure 158.1 और इसके अंदर भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज यानी कि सारी डिटेल्स अबाउट प्लेयर्स प्लेयर फंक्शन हिस्ट्रीज एंड ऑल. तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस गेम. इसमें क्या चेंज है कि इसमें प्लेयर नंबर वन इज प्लेइंग फर्स्ट एंड देन गेम इज एक्सटेंडेड बाय प्लेयर नंबर टू एंड देन प्लेयर नंबर वन प्लेज अगेन. तो हम इसमें देखेंगे कि क्या डिटेल्स हैं. सो लेट्स गो विद द डिटेल्स जो कि हम जो है वो जो हम इसमें लर्न करना चाह रहे हैं. एक इमेजेस में टेक मी द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एक सेकंड. ओके दिस वन इज द पेज 158 या और ये गेम है. इसके अंदर ये वाली जो मैंने गेम यहाँ से ली है ये पेज नंबर है फिगर 158.1 है. ठीक है जी. तो इस गेम को हम देखते हैं कि इसकी डिटेल्स क्या है. दिस इज फिगर 158.1. ये फिगर 158 पेज पर ही होगी. चेक कर लीजिएगा बुक से. ऑसबॉर्न की बुक है. ठीक है ऑसबॉर्न की है जैसे मैं इसको फॉलो कर रही हूँ. अच्छा अब इसमें देखें कितने हमें क्या चीज़ें देखनी होती हैं. हमें देखने होते हैं प्लेयर्स क्या हैं उनके एक्शन हमें नज़र आ रहे हैं. उसके अलावा हमें देखना होता है कि हिस्ट्रीज क्या टर्मिनल हिस्ट्रीज क्या है टर्मिनल हिस्ट्रीज क्या है. और उसके बाद तीसरा हमें देखना होता है प्लेयर फंक्शन. ठीक है जी. और चौथे नंबर पर हम प्रेफरेंसेस देखते हैं और पाँचवें नंबर पर हम देखते हैं जो हमने नया सीखा है स्ट्रेटजीज. तो वन बाय वन चलते हैं. प्लेयर नंबर वन अगर प्लेयर देखें तो वन है और टू है. प्लेयर वन इज स्टार्टिंग द गेम एंड देन टू इज टेकिंग ऑफ द गेम एंड देन वन इज अगेन डूइंग. प्लेयर वन इज प्लेइंग सी और डी एट द फर्स्ट नॉट एंड देन प्लेयर नंबर टू इज मूविंग ऑन विद ई एफ एंड वन इज रिस्पॉन्डिंग विद जी एच. एफ पे गेम टर्मिनेट हो रही है और डी पे गेम टर्मिनेट हो रही है. टर्मिनल हिस्ट्रीज पे आ जाते हैं तो मैं सारी हिस्ट्रीज यहाँ पे बताऊंगी टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों. हिस्ट्री क्या मतलब होता है कि जब गेम में कोई नॉट आती है तो उससे पहले क्या हुआ होगा. तो हर नॉट की एक हिस्ट्री होती है. ठीक है. तो अगर इस नॉट वन को देखें तो ये है एक हिस्ट्री. ये एक नॉट है इसके पीछे कोई हिस्ट्री नहीं है कुछ भी नहीं खेला गया तो हम इसे कहते हैं नल हिस्ट्री या फाई. उसके बाद एक हिस्ट्री इस नॉट पर आएगी. इस नॉट पर क्या आ रहा है तो हिस्ट्री कहाँ से आ रही है क्या खेला गया है. प्लेयर नंबर वन हैज प्लेड सी तो हम कहते हैं कि सी इज द हिस्ट्री ऑफ दिस नॉट. उसके बाद वन नॉट के ऊपर क्या हिस्ट्री आ रही है. प्लेयर वन ने सी खेला प्लेयर टू ने ई खेला और तब प्लेयर वन की बारी आई. तो इसका मतलब है इसकी जो हिस्ट्री है वो है सी और ई. ठीक है जी. ये सारी की सारी जितनी होती है ना जिसके ऊपर गेम अभी ख़त्म नहीं होती ये प्रॉपर प्रॉपर सब हिस्ट्रीज हैं. ठीक है. उसके अलावा टर्मिनल हिस्ट्रीज दूसरी होती है. टर्मिनल हिस्ट्री टर्मिनल हिस्ट्री में क्या होती है जहाँ पे गेम क्लोज हो रही है. अब गेम कौन कौन सी जगह पे क्लोज हो रही है जहाँ जहाँ एंडिंग नॉट्स आ रहे हैं ना यानी जहाँ पे पे ऑफ आ रहा है वो सारी हिस्ट्री क्लोज हो रही है. तो एक उसमें पॉइंट है डी. ठीक है. ये वाली ब्रांच टर्मिनल है. उसके बाद आप देखो गेम यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे जाके टर्मिनेट हुई है तो किस हिस्ट्री पर सी एंड एफ पर. उसके बाद गेम यहाँ से शुरू हुई है यहाँ पर आई है और यहाँ जाके क्लोज हुई है सी ई और एच. सी ई और एच ये इसको हम इस तरह कर देते हैं. ठीक है. और लास्ट वाला क्या है सी एफ जी. लास्ट जो है जिस पे ख़त्म हुई है वो सी एफ और जी है. सो बेसिकली वी हैव लाइक फोर टर्मिनल हिस्ट्रीज एंड थ्री प्रॉपर सब हिस्ट्रीज. मूविंग ऑन ये वी आर डन विद दिस. मूविंग ऑन प्लेयर फंक्शन. वॉट इज प्लेयर फंक्शन. प्लेयर फंक्शन इज बेसिकली अ फंक्शन विच असाइंस दैट हु इज प्लेइंग एट वॉट नॉट. तो हमारे पास ये नॉट जो है ये वाली है ये वाली है ये वाली है. तो प्लेयर फंक्शन जो है वो नॉट हम वी डिफाइन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्ट्री. सो इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट नॉट इट इज एट द हिस्ट्री फाइव. सो हु इज प्लेइंग इज प्लेयर वन. प्लेयर वन एक और जगह पे भी खेल रहा है किस हिस्ट्री के बाद इधर पे. तो वो कहाँ पे आती है सी और ई हिस्ट्री के बाद. सो प्लेयर फंक्शन असाइन एट द हिस्ट्री सी ई विच प्लेयर प्लेयर नंबर वन. तो हम इसको अलग अलग नहीं लिखते बल्कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं यानी कि दोनों को इकट्ठा कर देते हैं और हम ये वाली चीज़ मैंशन नहीं करते. अब प्लेयर नंबर टू कहाँ पर खेल रहा है. ही इज प्लेइंग एट द हिस्ट्री टू हिस्ट्री सी. सो प्लेयर फंक्शन एट हिस्ट्री सी इज इक्वल टू टू. ये हो गया प्लेयर फंक्शन. प्लेयर फंक्शन जो है ये सिर्फ बताता है कि किस हिस्ट्री पे कौन खेल रहा है. प्रेफरेंसेस में आप देखो तो प्रेफरेंसेस जो है ना प्लेयर नंबर वन का जो बेस्ट है 1032 3 इज बेस्ट. किसके बाद आ रहा है प्लेयर नंबर वन का बेस्ट है पे ऑफ फ्रॉम प्लेयर नंबर वन फ्रॉम सी एफ इज 3 एंड सो ऑन. बाकी आप इस तरह से देख लो.
उसके बाद आप आ जाओ स्ट्रेटजीज के ऊपर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अब स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताया था कि हमेशा आप नोट्स को मेंशन करो. लेट्स टेक इट नोट वन, लेट्स टेक इट नोट टू, एंड लेट्स टेक इट नोट नंबर थ्री. सो इफ आई टॉक अबाउट प्लेयर नंबर टू, तो प्लेयर नंबर टू किस नोट पे खेल रहा है? ही इज प्लेइंग ऑन नोट टू, एंड वॉट ही इज प्लेइंग ओनली टू एक्शंस ई एंड एफ. तो इसकी एक्शंस ही इसकी स्ट्रेटजी हो जाएंगे. ओके उसके बाद अगर आप देखो कि जो है प्लेयर नंबर वन जो है वो कहाँ कहाँ पे खेल रहा है, प्लेयर नंबर वन जो है वो खेल रहा है इस गेम में नॉट वन नंबर वन पर, ठीक है, और दो एक्शंस कर रहा है, और नॉट नंबर थ्री पर वहाँ पे भी दो एक्शंस कर रहा है. सो टू क्रॉस टू इसकी बन जाएंगी फोर हिस्ट्रीज. वो फोर हिस्ट्रीज क्या होंगी? वन टू थ्री एंड फोर. तो हम हमेशा देखते हैं कि नॉट वन पे उसने क्या खेला. ही इज प्लेइंग मतलब हिस्ट्री क्या फेस कर रहा है वो. तो नॉट वन पे जो इसकी हिस्ट्री आ रही है वो आ रही है फाइव, और नॉट टू पर जो इसकी, ये मैं काट देती हूँ, ये वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर. नॉट वन पे इसकी हिस्ट्री आ रही है फाइव, और नॉट टू पे इसकी हिस्ट्री आ रही है सी ई. तो क्या खेल रहा है वो नॉट वन पर? ही इज प्लेइंग नॉट वन के ऊपर. प्लेयर वन खेल रहा है सी, और नॉट टू पे खेल रहा है वो. नॉट टू कहाँ पर है उसकी? नॉट थ्री है जी. तो फर्स्ट इज जी, मतलब हम क्या कह रहे हैं, वन ही वॉज एट हिस्ट्री फाइव ही इज रिस्पॉन्डिंग विद सी, एंड वन ही वॉज हिस्ट्री एट सी ई ही इज रिस्पॉन्डिंग विद जी. सेकेंड क्या होगा कि ही इज रिस्पॉन्डिंग द सेम इन द नल हिस्ट्री, बट ही इज रिस्पॉन्डिंग द अदर ब्रांच एट एज. नाउ वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट एट हिस्ट्री नॉट वन पे ही इज प्लेइंग डी एंड जी, और उसके बाद डी और एच. सो बेसिकली ये फोर स्ट्रेटजीज बनेगी. नाउ यू वुड बी सरप्राइज टू सी के ही इज नॉट, द गेम इज टर्मिनेटेड एट दिस नॉट नॉट वन व्हेन ही द प्लेयर वन पिक्स अप विद डी. लेकिन व्हाई आई एम राइटिंग डी के साथ जी और एच का ऑप्शन ये वाला? तो इसका आंसर ये है कि बेसिकली दिस इज स्ट्रेटजी प्रोफाइल विच सिंपली मीन्स दैट द प्लेयर इज मेकिंग रिएक्शन टू प्ले विद, और ही इज डिसाइडिंग व्हाट टू डू वंस एवर ही विल बी फेसिंग एनी सिचुएशन. तो ही इज प्लानिंग हिमसेल्फ फॉर एनी टाइप ऑफ द सिचुएशन ही कुड हैव बीन फेसिंग. तो व्हाट ही इज सेइंग, ही इज सेइंग ओके अगर मैं नोट वन पे हुआ तो आई विल बी फेसिंग द हिस्ट्री फाइव, सो आई हैव टू प्लान ईदर टू प्ले विद सी और टू डी. ठीक है, अगर वो सी करता है तो गेम कंटिन्यू होती है, एंड देन ही एंड अप विद द थर्ड नोट वेयर ही इज डिसाइडिंग टू प्ले ईदर जी और एच. सो द फर्स्ट टू आर सो मच क्लियर. ओके, इसमें कोई आपको मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन नहीं होगा. बट लेकिन वंस वी टॉक अबाउट दैट इफ द गेम स्टार्टेड विद डी, सो वाई आर वी राइटिंग जी और एच? बेसिकली यहाँ पे हम ये करते हैं कि जब आपने गेम को स्टार्ट किया एंड यू सेड ओके द प्लेयर वन हैज प्लेड डी एंड द गेम टर्मिनेटेड, फाइन, बट वट इफ ही कुड हैव प्लेड सी, then the game definitely would have continued, then definitely he would end up at the node where the history was CE. So what could have been he deciding if he ever happened to be at that stage? So hum basically isme ye nahi hai ki it is happening, it could happen ki basis par hum ye strategies banate hain, aur fir inhi strategies mein se jo best strategy hoti hai wo Nash equilibrium ban jati hai. This is the story. ठीक है, तो इसमें यह ना समझे कि डिबेट गेम टर्मिनेट होगी. ओके फाइन, गेम टर्मिनेट होगी, रेजोल्यूशन उसी तरह से आएगा, पे ऑफ उसी तरह से आएगा, लेकिन हम क्या बता रहे हैं, कॉन्टीजेंसी प्लान, कि अगर ऐसा ना हुआ और उसने अगर वो इस वाली नॉट पर, इफ ही एवर हैपन टू बी एट नॉट नंबर थ्री, सो व्हाट प्लान्स ही हैज इन हिज माइंड, सो द प्लान इज टू प्ले जी और एच. तो ये इस तरीके से बनती है. ठीक है जी, तो ये मेरा ये मैंने कर लिया है. अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल असाइन करूंगी जिसके अंदर आप जो है ना ये खुद बनाओगे. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर के ये किस तरह से प्रोसीड कर रहा है. वन एग्जाम्पल 153.2, लुक 153.2 ये है. ये गेम हम कर चुके हैं, एंट्री गेम ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, और ये भी कर चुके हैं. ठीक है,
स्ट्रेटजीज इन एक्सटेंसिव फॉर्म, यहाँ पे ये स्ट्रेटजीज आगे बता रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग फॉर इट. अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल, व्हाट आर यूजर स्ट्रेटजीज इन गेम 154.2. तो अब ये मैं गेम एक मैंने आपको पीछे से छोड़ी थी, मैं चाहती हूँ कि मैं वो गेम आपके साथ शेयर करूँ, और उसके बाद भी विल सी के जैसे कैसे हम इन गेम्स को सॉल्व करते हैं, वो सोल्यूशन की तरफ आएंगे. तो लेट्स गो फॉर पेज अप. ये दिस इज एक्सरसाइज 153.2, ठीक है. इसका ए और बी पार्ट हमने कर लिया था, 154.2 है, और इसका सी पार्ट है. तो सी पार्ट जरा चेक करें क्या है. द पॉलिटिकल फिगर रोजेन अर्नेस्टो ईच हैज टू टेक अ पोजीशन ऑन एन इशू. द ऑप्शंस आर बर्लिन और हवाना. दो प्लेयर्स हैं, अर्नेस्टो और रोजा, और उनकी जो एक्शंस हैं वो बर्लिन और हवाना डिसीजन है. टू दे चूज सिक्वेंशियली, यानी एक्सटेंसिव फॉर्म गेम है. द थर्ड पर्सन कार्ल डिटरमिन्स हु चूजेस फर्स्ट. तो इसका मतलब है कि इसमें तीसरा प्लेयर भी है जिसका नाम है कार्ल. रोजा और अर्नेस्टो के अलावा कार्ल है जो कि सबसे पहले मूव करता है, और डिटरमिन्स हु चूजेस फर्स्ट, क्योंकि ये डिटरमिन करेगा कि कौन पहले डिसीजन लेगा. दे हैव टू गो सिक्वेंशियली, बट द फर्स्ट डिसीजन हैज टू कम फ्रॉम कार्ल, हु मेक्स हिम डिसाइड दैट हु विल चूज हवाना और बर्लिन फर्स्ट. ठीक है, बात समझ में आ गई. तो पहला प्लेयर कार्ल होगा, फिर कार्ल डिसाइड कर लेगा कि कौन पहले जा रहा है, अर्नेस्टो फर्स्ट या रोजा फर्स्ट, ये उसके एक्शंस होंगे. अगर वो रोजा फर्स्ट कहता है तो रोजा विल कम इन द सेकंड प्लेस, एंड देन ही विल डिसाइड फॉर बर्लिन और हवाना, एंड आफ्टरवर्ड्स अर्नेस्टो विल डिसाइड अबाउट बर्लिन एंड हवाना, एंड सेम स्टोरी विल गो विद अदर ब्रांच. इफ ही सेज अर्नेस्टो फर्स्ट, देन अर्नेस्टो विल कम इन द नेक्स्ट प्लेस, एंड आफ्टरवर्ड्स रोजा विल कम. सो इन दिस गेम दिस इज द वे द गेम इज डिफाइंड. अब आगे रेफरेंसेस दी हुई हैं, बोथ रोजा एंड अर्नेस्टो कैन केयर ओनली अबाउट देयर चॉइसेस दे चूज. उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब है, अबाउट नो अबाउट हु चूजेस फर्स्ट. रोजा प्रेफर्स द आउटकम इन विच बोथ शी एंड अर्नेस्टो चूज बी. मतलब रोजा को क्या पसंद है, बर्लिन, बी पसंद है. और टू दैट इन विच दे बोथ चूजेस एच, मतलब क्या हुआ कि दे बोथ वॉन्ट टू गो टुगेदर, बट रोजा की प्रेफरेंस में बर्लिन है और सेकेंड नंबर पे हवाना टुगेदर है. लेकिन इन एनी केस एंड प्रेफर देयर आउटकम टू ईदर ऑफ द वन इन विच शी एंड अर्नेस्टो चूज डिफरेंट एक्शंस. यानी कि दे डोंट लाइक टू गो अलोन, उनको इकट्ठे ही जाना है. शी इज इनडिफरेंट बिटवीन दीज टू लास्ट आउटकम. इनडिफरेंट का मतलब है हवाना बर्लिन, बर्लिन हवाना में शी इज इनडिफरेंट. अर्नेस्टो प्रेफरेंस डिफरेंट फ्रॉम रोजा इन द इन दैट द रोल ऑफ बी एंड एच आर रिवर्स्ड. मतलब रोजा को पसंद है बर्लिन और उसको पसंद है हवाना. सो अर्नेस्टो वॉन्ट्स टू गो हवाना फर्स्ट प्रायोरिटी विद हर, और सेकेंड प्रायोरिटी बर्लिन विद हर, एंड थर्ड ऑप्शन अलोन बर्लिन हवाना, हवाना बर्लिन. तो दोनों इनडिफरेंट है. कार्ल प्रेफरेंसेज आर द सेम एज अर्नेस्टो. अब आप ये देखो कि कार्ल और अर्नेस्टो की प्रेफरेंसी सेम है, तो ये गेम यहीं पे बाइस्ड हो जाएगी और सोल्यूशन जो है वो अर्नेस्टो के फेवर में आने वाला है. मॉडल इन दिस सिचुएशन इज एन एक्सटेंसिव गेम विद परफेक्ट इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफाई द कंपोनेंट ऑफ द गेम. तो हम इस गेम को जरा ड्रॉ करते हैं. तो इसको मैं ना ऐसा करती हूँ कि कॉपी कर लेती हूँ. ये हमारे पास गेम आ गई, ठीक है. ये 154.2 है गेम, एक्सरसाइज है, ठीक है जी. और हम ये करें पॉलिटिकल, कौन कौन से हैं, ये तीन प्लेयर्स हैं, रोजा अर्नेस्टो एंड तीसरा बंदा कौन है, कार्ल. कार्ल, ठीक है. प्लेयर्स कौन कौन से हैं, रोजा अर्नेस्टो एंड कार्ल. कार्ल के क्या एक्शंस कौन कौन से, फिर हम एक्शंस देख लेते हैं. कार्ल जो है वो डिसाइड करता है अर्नेस्टो फर्स्ट, इसको हम ऐसे कर देते हैं, रोजा फर्स्ट, ठीक है. रोजा डिसाइड करती है बिटवीन बर्लिन, इसको बी कहते हैं, एंड हवाना, इसको एच कह देते हैं, एंड शी लाइक्स इट मोर. और अर्नेस्टो जो है उसके भी यही है बर्लिन और हवाना, बट ही लाइक्स हवाना मोर. पे ऑफ क्या है रोजा के और अर्नेस्टो के, तो पे ऑफ टू रोजा फ्रॉम किस, उसे क्या पसंद है, बर्लिन, 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 बर्लिन इज एट द टॉप, ग्रेटर देन पे ऑफ टू रोजा फ्रॉम हवाना, हवाना इज ग्रेटर देन पे ऑफ टू रोजा फ्रॉम बर्लिन, हवाना
एंड ये दोनों इनडिफरेंट हैं, पे ऑफ टू रोजा फ्रॉम हवाना वर्लूम। अगर मैं इसकी बात करूँ, पे ऑफ और अर्नेस्टो फ्रॉम हवाना, हवाना इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। पे ऑफ टू अर्नेस्टो फॉर बर्लिन, बर्लिन इज द सेकेंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। पे ऑफ टू अर्नेस्टो फ्रॉम बी एच इज इनडिफरेंट फ्रॉम टू पे ऑफ अर्नेस्टो फ्रॉम एच बी। ठीक है, और कार्ल की प्रेफरेंसेस वही हैं जो कि अर्नेस्टो की प्रेफरेंस है। तो हम सपोज करते हैं कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी को हम टू नंबर दे देते हैं, इसको हम वन दे देते हैं, इसको हम जीरो और इसको हम जीरो दे देते हैं। ठीक है, सेम वन टू वन जीरो जीरो। ठीक है, अब हम आते हैं आगे गेम को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एक्सटेंसिव फॉर्म। तो कौन स्टार्ट कर लेगा? कार्ल। हमें बताया था कार्ल जो है वो फर्स्ट प्लेयर है, तो कार्ल स्टार्ट करेगा फर्स्ट नोट पे। और वो क्या डिसाइड करता है, अर्नेस्टो फर्स्ट या रोजा फर्स्ट। ठीक है जी, इसके बाद ओके इसको हम लेते हैं रोजा फर्स्ट और अर्नेस्टो फर्स्ट से, फर्क कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद ऐसे ले रही हूँ। उसके बाद अगर रोजा फर्स्ट है तो यहाँ पे कौन खेलेगा? रोजा। और यहाँ पे कौन खेलेगा? अर्नेस्टो। ठीक है जी, रोजा ने क्या खेलना है? इधर शी वॉन्ट्स टू गो टू बर्लिन और शी कैन गो टू हवाना। ओके, उसके कार्ल ने डिसाइड किया रोजा फर्स्ट, हियर रोजा इज प्लेइंग, डिसाइडिंग रोजा बर्लिन और हवाना, हु इज प्लेइंग नेक्स्ट? अर्नेस्टो। ठीक है जी, और यहाँ पे कौन खेल रहा है? अर्नेस्टो। व्हाट इज डूइंग? बर्लिन और हवाना, बर्लिन और हवाना। ठीक हो गया, सेम स्टोरी गोज ओवर हियर। इसको मैं जरा थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ताकि हमारे पास प्रॉपर जगह आ जाए, थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेती हूँ गेम। ठीक है, ये है जी ये वाला, यहाँ पर है अर्नेस्टो फर्स्ट ये है, और यहाँ पे आएगा अर्नेस्टो। ठीक है जी, और यहाँ पर वो खेलेगा बर्लिन या फिर वो खेलेगा हवाना, और यहाँ पर आएगी रोजा, और यहाँ पे आएगी रोजा। शी विल आइदर प्ले बर्लिन और हवाना, बर्लिन और हवाना। अब आप देखो व्हाट इज एट एंड ऑफ दिस, यू नो मैं इसको ना ऐसे बनाती हूँ। इसके अंदर कार्ल ने डिसाइड किया रोजा फर्स्ट, रोजा ने खेला बर्लिन एंड अर्नेस्टो ने फॉलो किया बर्लिन। हु लाइक्स इट मोस्ट? याद रखें, रोजा लाइक्स बर्लिन एंड अर्नेस्टो लाइक्स हवाना, एंड अर्नेस्टो एंड कार्ल को भी वही प्रेफरेंसेस हैं जो कि अर्नेस्टो की हैं। तो इसमें कौन सी आउटकम आएगी जो रोजा के लिए बेस्ट है? फर्स्ट प्लेस पे कौन आ रहा है? फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है कार्ल, दूसरे प्लेस पे कौन आ रहा है? रोजा, और थर्ड प्लेस पे कौन आ रहा है? अर्नेस्टो। तो पहला आउटकम होगा कार्ल का, दूसरा होगा रोजा का, और तीसरा होगा अर्नेस्टो का। अब कार्ल और अर्नेस्टो दोनों की प्रेफरेंसेस एक थी, जो दे लाइक्ड हवाना ओवर बर्लिन, लेकिन हु लाइक्स द बर्लिन मोस्ट? रोजा। रोजा का आउटकम कहाँ पे आ रहा है? एट द सेकेंड प्लेस। तो मतलब ये कौन सा सिचुएशन है? ये रोजा के लिए फर्स्ट प्लेस है और अर्नेस्टो और कार्ल के लिए सेकंड बेस्ट है। सेकंड बेस्ट को हमने नंबर दिया हुआ था वन, तो फर्स्ट प्लेस कार्ल का आउटकम क्या आया? वन। रोजा का आउटकम क्या आया? टू। और अर्नेस्टो का आउटकम क्या आया? वन। क्यों? क्योंकि अर्नेस्टो रोजा जो है वो दोनों सिमिलर है इन प्रेफरेंसेस, तो कार्ल और अर्नेस्टो विल गेन वन वन फ्रॉम दिस गोइंग टू बर्लिन, वाइल रोजा विल बी हैविंग यू नो टू। अब इधर देखो, इधर ये दोनों अलग अलग जा रहे हैं, तो हमने अलग अलग को जीरो नंबर दिया हुआ था, तो जो बर्लिन रोजा विल गेट जीरो एंड अर्नेस्टो विल गेट जीरो एंड कार्ल विल गेट एग्जैक्टली व्हाट द अर्नेस्टो विल गेट। सो एवरीवन हियर इज एक्चुअली एंडिंग अप विद जीरो। ठीक है, इसमें देखो अलग अलग जा रहे हैं, सिंपल आंखें बंद करके जीरो जीरो एंड जीरो, यहाँ पे इकट्ठे जा रहे हैं, हवाना जा रहे हैं। हु लाइक्स हवाना? अर्नेस्टो। तो अर्नेस्टो और कार्ल की प्रेफरेंस हवाना है, तो कार्ल किस प्लेस पर है? फर्स्ट प्लेस का आउटकम क्या मिला? टू। दूसरे प्लेस पे कौन है? रोजा, उसको क्या मिलेगा इससे? वन। और तीसरे प्लेस पे कौन है? अर्नेस्टो, उसको क्या मिलेगा? टू। अब इस ब्रांच में आए, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्नेस्टो फर्स्ट, तो यहाँ पे अर्नेस्टो ने डिसाइड किया बी, तो यहाँ पे दे बोथ आर गोइंग टू बी एंड हु लाइक्स बी? रोजा। तो पहले प्लेस पे है कार्ल, ही इज गेटिंग वन फॉर दिस। सेकेंड पे है अर्नेस्टो, ही इज गेटिंग वन फॉर दिस। एंड थर्ड पे है रोजा, शी इज गेटिंग टू फॉर दिस। ओके,
इसमें ना आपने इस बात का ध्यान रखना है कि किस जगह पे कौन है, क्योंकि इस नोड में सेकंड प्लेस जो है वो रोजा रिप्रेजेंट हो रही है और इसमें सेकंड प्लेस पे अर्नेस्टो रिप्रेजेंट हो रहा है, जिस इज डिफरेंट इन गेम इन दिस गेम। तो इसी तरह से यहाँ पर अलग अलग जा रहे हैं तो आंखें बंद करके 0-0 लगा दें, यहाँ पे भी अलग अलग जा रहे हैं तो आंखें बंद करके 0-0 लगा दें, और यहाँ पर क्या हिवाना जा रहे हैं, हु लाइक्स हिवाना, अर्नेस्टो, कार्ल को भी वही पसंद है, तो टू अर्नेस्टो कार्ल, टू कार्ल को मिला टू, अर्नेस्टो को मिला टू और रोजा को मिला वन। लेजी गेम कंप्लीट हो गई है और अब हमने इसको डिफाइन करना है। प्लेयर आपके सामने है, कार्ल अर्नेस्टो हिवाना एक्शंस आपके सामने है, और उसके बाद हमें क्या करना होता है, हिस्ट्रीज करनी होती है। तो हिस्ट्रीज अगर आप इसकी देखें तो इसकी एक हिस्ट्री है फाइव, दूसरी हिस्ट्री क्या है, ये देखो हर नॉट पे एक हिस्ट्री होती है, मैंने आपको बताया था ना, तो इसको आप नॉट वन कह दो, इसको आप नॉट टू कह दो, इसको आप नॉट थ्री कह दो, इसको नॉट फोर कह दो, इसको नॉट फाइव, नॉट सिक्स, नॉट सेवन, तो हर नॉट की एक हिस्ट्री है। नॉट वन की हिस्ट्री है ये, नॉट टू की हिस्ट्री क्या है, आर एफ, ठीक है, इसके बाद है आर एफ, उसके बाद है अर्नेस्टो फर्स्ट, ये भी एक हिस्ट्री है, उसके बाद है आर एफ बी, आर एफ बी, और क्या है आर एफ एच, इसको ब्रैकेट कर दें, आर एफ एच, उसके बाद है इसी ब्रांच पे रहते हैं, तो एक ये आगे फाइव होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, इसमें आगे चले आर एफ बी बी, आर एफ बी एच, आर एफ एच बी, आर एफ एच एच, ठीक है, समझ आई, ये पूरी आखिर तक जानी होती है। उसके बाद इधर चले जाए, फाइव के बाद आता है ई एफ, उसके बाद ई एफ बी, ई एफ एच, ये प्रॉपर सब हिस्ट्रीज हैं। टर्मिनल क्या आएगी, ई एफ बी बी, ई एफ बी एच, ई एफ एच बी, ई एफ एच एच, ये आपने खुद कंप्लीट करना है। प्लेयर फंक्शन क्या है, किस किस हिस्ट्री पे कौन खेल रहा है, पहला पी ऑफ फाइव कौन खेल रहा है, कार्ल, पी ऑफ इस यहाँ किसकी हिस्ट्री आ रही है, आर एफ, पी ऑफ आर एफ कौन खेल रहा है, रोजा, ठीक है जी, पी ऑफ और रोजा कहाँ पर खेल रही है, और रोजा इस हिस्ट्री पे खेल रही है, तो पी एफ, पी ऑफ ई एफ अर्नेस्टो फर्स्ट, दूसरा फिर बी अर्नेस्टो खेला बी, तो यहाँ पे कौन खेल रही है, रोजा, इट्स अगेन रोजा, ठीक है जी, एंड फिर कहाँ पे खेल रही है, यहाँ खेल रही है, सो पी ऑफ अर्नेस्टो फर्स्ट एंड हवाना, इस पे आ रही रोजा। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, जब तीन जगहों पर एक ही प्लेयर हो तो अलग अलग नहीं लिखते, बल्कि आप किस तरह लिखोगे, इन तीनों को इक्वल करोगे, यानी कि पी ऑफ आर एफ इज इक्वल्स टू पी ऑफ ई एफ बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ई एफ एच इज इक्वल्स टू रोजा, ऐसे लिखेंगे। आपने बिल्कुल इसी तरीके से अर्नेस्टो की प्लेयर्स की वो लिखनी है। तो प्लेयर्स हो गए, एक्शंस हो गए, और इसके अलावा वो हो गई अपना प्लेयर फंक्शन हो गया, हिस्ट्रीज हो गई, टर्मिनल हिस्ट्री हो गई, और लास्ट पे आपने क्या चीज़ वर्कआउट करनी होती है, स्ट्रैटेजी। अब आपने आपको बताया था स्ट्रैटेजीज किस तरह से बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज होंगी तीन प्लेयर्स है ना, कार्ल की स्ट्रैटेजी, अर्नेस्टो की स्ट्रैटेजी और रोजा की स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि कार्ल किस नोट पे खेल रहा है, तो कार्ल जो है वो सिर्फ एक ही नोट पे खेल रहा है, नोट वन पे, और वो दो जो एक्शन ले रहा है, अर्नेस्टो फर्स्ट एंड रोजा फर्स्ट, तो इसकी स्ट्रैटेजी इसी के एक्शन ही होंगे ये कार्ल के से। नंबर टू पे हम देख रहे हैं रोजा की स्ट्रैटेजीज, तो रोजा जो है वो कितने नोट्स पे खेल रही है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप रोजा को देखो तो रोजा खेलती है जी, ये देखो रोजा एक इधर खेलती है नॉट टू पर, रोजा एक नॉट सिक्स पर है, और एक रोजा नॉट सेवन पर है। तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, रोजा के लिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये खेल रही है नॉट टू पर और नॉट सिक्स पर और नॉट सेवन पर, ये हिस्ट्रीज कौन कौन सी फेस कर रही है, यहाँ पे रोजा फर्स्ट की हिस्ट्री आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही है, अर्नेस्टो फर्स्ट एंड बर्लिन नॉट सिक्स पर, ठीक है जी, और यहाँ पर क्या आ रही है, अर्नेस्टो फर्स्ट एंड हवाना, ठीक है जी। अब वो क्या खेल सकती है, अब देखो टू क्रॉस, आपको पता है दो हर नॉट पे वो दो एक्शंस ले रही है, तो टू क्रॉस टू क्रॉस टू कितनी बन गई, एट, तो एट यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी प्रोफाइल्स बनेंगे, स्ट्रैटेजी प्रोफाइल्स द लिस्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज, सो एक से लेके आठ तक। अब किस तरह से बनाएंगे आप इस तरह से बनाएंगे, जब वो नॉट सिक्स पर है, नॉट टू पर, तो क्या कर रही है, बर्लिन एंड हवाना, बाकी नॉट्स पे भी वो यही कर रही है, बर्लिन एंड हवाना, तो हम कैसे बनाएंगे, बी बी बी, यानी तीनों पे बी, फिर बी बी एफ, क्या है, हवाना, बी बी एच, ठीक है। इसके बाद आप क्या बनाओगे, ये मैं आपको एक बना के दिखा देती हूँ, और अर्नेस्टो की आपने खुद बनानी है,
बी एच बी एच, ये बिल्कुल स्टैग हंट गेम नहीं थी उसी तरह से है, ये आपका एक सेट कंप्लीट हो जाता है, फिर बी एच 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 बी एच 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 एंड बी, ये एक सेट और कंप्लीट हो गया, और लास्ट है एच एच और एच। इसका क्या मतलब है, जब वो फर्स्ट नोट पे आई सो नोट टू पे आई उसने बर्लन खेला, जब वो सिक्स नोट पे आई उसने बर्लन खेला, और जब सेवन नोट पे थी बर्लन, सो शी इज डिसाइडिंग बर्लन एट एवरी नोट। हियर इन द फर्स्ट टू नोट ही इज डिसाइडिंग बर्लन एंड द लास्ट वन इज शी इज डिसाइडिंग हवाना, एंड सिमिलरली यू कैन एक्सप्लेन दिस, एंड अगेन यू कैन ऑल्सो राइट देम एज बी गिवन आर एफ, बी गिवन ई एफ बी, बी गिवन ई एफ एच, जैसे मैंने पीछे लिखवाया था, ठीक है, बट वो बहुत कंजेस्टेड हो जाता है, तो हम जनरली प्रेफर करते हैं इसको लेना। एंड रिमेंबर, आपने देखा मैंने इसको ऑटोमेटिकली जो है वो लेफ्ट से राइट को गेम को शुरू किया है, आई हैवंट रिटन डाउन, ये देखो ये था ना लेफ्ट पर एन टू, मैंने इसको पहले लिखा है, फिर एन सिक्स को लिखा, फिर एन सेवन को लिखा, आई विल नेवर राइट के एन सेवन एन सिक्स और एन टू या कुछ भी, ये रूल होता है स्ट्रेटजीज बनाने का, यू ऑलवेज प्ले लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो अंडरस्टूड होता है कि जो लेफ्ट मोस्ट पे लिखी हुई है वो लेफ्ट मोस्ट का नॉड होगा एंड सो ऑन। तो ये आपने स्ट्रेटजीज बना ली, सो आठ इसकी बनेंगी और आठ ही अनस्टर की बनाएंगी, इसे आपने खुद कंप्लीट करना है और इसको आपने पूरी एग्जांपल को दोबारा करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है जी। और सो दैट इज एंड ऑफ द लेक्चर, मैं नेक्स्ट वाले के अंदर सोल्यूशन करना सिखाऊंगी और कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स दूंगी। थैंक यू सो मच।